पूजनीय राधा माँ के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए विनती करता हूँ कि जिस तरीके से उनका भाव है ब्राह्मणों के प्रति, साधु संतों के प्रति, ऐसा भाव जो है पूरे मुंबई ही नहीं पूरे संसार में उजाती हैं। और अपने भावों के द्वारा मानव के प्रति जो उनका उद्गार है, अपने तन मन धन की जो सेवा है समर्पित है, ऐसा हम लोगों की आह और आशीर्वाद हमेशा भगवान के लिए प्रार्थना करता हूँ कि राधे माँ की ऐसी धार्मिक भावनाएँ हर जगह ही विराजमान हों और ऐसे धर्म का ध्वजा उनकी कृपा से हम लोग फहराते रहे। मैं वैसे जानती तो बहुत दिनों से हूँ, पर इनको माता जी को मिले मुझे कम से कम 1-2 महीने हो गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि मैं कब देखूं, क्योंकि मैं सिर्फ सुनती थी, लेकिन जब मैं मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दो तीन बार मिल चुकी हूँ ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। ये बच्चे के स्कूल की फीस के लिए मैंने उनसे हेल्प मांगी थी, तो ये चेक उन्होंने दिया स्कूल के। राधे माता हमारी माता हैं, उनका तो भवन हमारी, मैं विष्णु परिवार मेरी माँ है, मैं उनके भवन में मैं आता हूँ, दर्शन करता हूँ, जो उनकी इच्छा होती श्रद्धा से मैं। यहाँ मैं 10 साल से आ रहा हूँ, बस हर तरह से मदद मिल जाती है, किसी को दवाई की मदद चाहिए तो दवाई मिल जाती है, अनाज की मदद चाहिए तो अनाज मिल जाता है, और बहुत अच्छी तरह से लोग सेवा करते हैं ब्राह्मण साधु की, अन्नदान वस्त्रदान सब चीज़ से। 5 साल से उनके साथ में, जिस तरह से आप तब से उनको जानते हैं, तो उनके दर्शन करके उनके पास आकर कितनी खुशी मिलती है और किस तरह से शांति, थोड़ा शांति मिलता है, आर्थिक स्थिति मिल जाती है, और बस बाकी। तो देवी माँ जिस तरह से कहती मैं किसी के ऊपर किसी के लिए मैं मदद नहीं करती, मैं लोगों की सेवा करती, तो किस तरह की सेवा देवी माँ देती है, और आज देवी माँ की तरफ से आपको क्या कुछ दिया गया? बस वही अपने ब्राह्मण वर्ग खाने